बड़ी खबर आपको बता दें, 18 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की जो जुडिशियल कस्टडी थी उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 18 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तकरीबन एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। संजय सिंह को मिली राहत के बाद थोड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी को जरूर जगी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में इन उम्मीदों पर कोर्ट ने फिर पानी फेर दिया है। 18 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी अभी भी तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया को रहना होगा। अभी कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है शराब घोटाले के मामले में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो तकरीबन एक साल से जेल में बंद है, उन्हें कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी का बार बार कहना है कि मनीष सिसोदिया को बेबुनियाद केस के तहत अंदर रखा जा रहा है, जानबूझकर मनीष सिसोदिया को अंदर भेजा गया है, जेल में रखा जा रहा है। लेकिन ये बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हो रहे वकील कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं या साबित नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी राहत उनके नेताओं को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। 18 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी आज भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई।